देखिए 3 रुपया बच गया हमारा। उसको देखो लड़की ऐसा चिपक के धो लिया उसको भे। चचवा नाच रहा है कथी को ले तो कथी झूठ बोलने पड़े केकड़ा का मामा के। हाँ तो दवाई वो उतना तो इतना दवाई में तो मजा आ रहा है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो फाइनली हम लोग अभी निकल चुके हैं अपने घर से एंड आज हम लोग की राइड होने वाली है नौगांव की ओर। एंड आज हम लोग फिर से वापस से जा रहे हैं महामृत्युंजय मंदिर। एंड ये वही मंदिर है जिस मंदिर का व्लॉग बना के आपका भाई का चैनल पे 21K व्यूज़ आया है। जी हाँ 21K व्यूज़। और आज तक मैंने जितना वीडियो बनाया उसमें से सबसे ज़्यादा व्यूज़ यही एक वीडियो है जिसका ऊपर है। सेकंड गुवाहाटी बैंगलोर एक्सप्रेस वाली वीडियो पे है व्यूज़ 12,000 के आसपास एंड इस वाली वीडियो पे है 21,000 के आसपास। एंड जिस दिन महामृत्युंजय मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, भगवान शिव का शिवलिंग का स्थापना किया जा रहा था, उसी दिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं एक बार ज़रूर आऊँगा जब इसका प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, जब सब कुछ हो जाए उस टाइम में मैं ज़रूर आऊँगा। तो दोस्तों फिलहाल तो आप ये देख लीजिए, एंजॉय कर लीजिए, लेकिन एक बार जब मंदिर नॉर्मल लोगों के लिए स्टार्ट हो जाए तो मैं फिर से आऊँगा और फिर से शूट करूँगा। इसका गारंटी मैं देता हूँ आपको कि मैं फिर से आऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पे जब मंदिर नॉर्मल लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आके एक बार व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा। तो आज उसी वादा को पूरा करने के लिए हम लोग वापस से निकल चुके हैं नौगांव की ओर। एंड समय देख लीजिए, अभी है 6:51 इन द मॉर्निंग एंड सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रहा था। और ये देख लीजिए हमारे 4 और दोस्त हैं जो हम लोग के साथ हैं, जिनसे मैं थोड़ा देर बाद में सबसे एक एक करके इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। एंड हम लोग को निकलने में देरी इसलिए हुआ क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतना तेज़ बारिश हो रही थी, आंधी तूफान बह रहा था कि हम लोग सोचे थे कि हम लोग शायद आज नहीं निकल पाएंगे। हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था, लेकिन भगवान शिव का कृपा से बारिश भी रुक गया, अच्छा खासा सूरज भी उग गया और हम लोग को निकलने का मौका भी मिल गया। सो हेलो गाइस, दिस इज उदेश दास ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द उदेश व्लॉग्स। तो चला वीडियो शुरू करी। ओके दोस्तों, तो हम लोग अभी आ चुके हैं नेशनल हाईवे में एंड यहाँ से नौगांव विल बी अप्रॉक्स 120 किलोमीटर्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 100 किलोमीटर्स के आसपास है। एंड यहाँ से हम लोग को नौगांव पहुँचने में 3 से 4 घंटे के आसपास लग सकता है क्योंकि हम लोग स्लो जाएंगे और हम लोग रुक रुक के जाएंगे। एंड महामृत्युंजय मंदिर ही सिर्फ हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं, आज हम लोग पैराडाइस लेक में भी विजिट करेंगे। ओले दोस्तों, तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं खानापारा में एंड यहां से ये जो नज़ारा है पहाड़ का आप वो चेक करें। अभी मैं 2 मिनट खामोश रहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप ये नज़ारा देखें। एंड ये तो अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे खानापारा में हम लोग अपना राम प्यारी को फ्यूल अप करवाएंगे बिकॉज यहाँ पे 2 रुपये सस्ता मिलता है पेट्रोल। एंड अभी हम लोग मेघालय के अंदर एंटर हो चुके हैं, ये आसाम मेघालय का बॉर्डर एरिया है। तो जब भी किसी को शिलोंग वगैरह जाना होता है, शिलोंग मेघालय में जाना होता है, तो वो सब गाड़ियाँ यहीं से जाती है। अगर आप लोग को डिब्रूगढ़ भी जाना है तो यही एक रास्ता है जहाँ से आप डिब्रूगढ़ जा सकते हैं। एंड ये जो टर्निंग्स है ना उसमें भाई गाड़ी चला कर बहुत सही लगता है, बहुत सही, सच बता रहा हूँ। ओके तो हम लोग अभी फ्यूल अप करवाने वाले हैं अपनी राम प्यारी को यहाँ पे। राजू फुल टंकी करवा लो। फुल टंकी कितना क्या? फुल टंकी कहाँ था? फुल टंकी करवा लो, ज़्यादा बेटर है, लंबा राइड है ना। कितना? 350-400 रुपये में हो जाए। कॉल है ना, आए के टाइम में भी झंझट ना रहे। एंड यार ये रियर व्यू मिरर का पता नहीं क्या इशू है, पता नहीं क्यों ठीक से पीछे वाला व्यू दिख नहीं रहा है इसे, इसको भी ठीक कर लेते हैं यहाँ पे बैठ के। दादा फुल टैंकी? हाँ भाई फुल हो गया क्या? 3 खूटा था इसमें 216 220.40। कार्ड पेमेंट? कार्ड पेमेंट नहीं, कैश पेमेंट। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ज़्यादा ही हो गया। तो यहाँ पे रेट चल रहा है 102.02, इतना कम। अरे गुवाहाटी में कितना रेट है? 105। 3 रुपये सस्ता बे, 3 रुपये कम है यहाँ। वाह देखिए 3 रुपये बच गया हमारा, थैंक्स टू मेघालय गवर्नमेंट। तो हमारा स्कूटी का लाइनअप देख लीजिए, तो ये है एक्टिवा, ये भी है एक्टिवा, हमारे 4 मित्रगण है। ये तो हमारा चाचा है, तो द मोस्ट फेमस चाचा, मिर्जापुर से उठा के लाए हैं इसको।
और ये राजू भाई, ये मीर है, एंड ये बॉडी बिल्डर लील एथिस्ना एस्थेटिक्स। अरे इतना अंग्रेजी, हमारा अंग्रेजी हिला हुआ रहता है थोड़ा सा, हम हिंदी में शुद्ध वार्तालाप करेंगे। तो भाई यहाँ से निकला जाए अब। तो यहाँ से नौगांव है 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर है डिस्टेंस यहाँ से नौगांव तक का। अभी हम लोग जोराबट पहुँच चुके हैं। ओहो, एंड यहाँ से हम लोग को जाना है सीधा, ये रास्ता चली जाती है शिलोंग की ओर, एंड यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे। यो एंड जो टर्निंग्स में मज़ा आता है ना, वो मज़ा किसी और चीज़ में नहीं आता। एंड ये देखिए राजू भाई फिर आगे चला गया, इसको पता नहीं क्या चुल मचा है आगे जाने का। अरे आराम से चलाओ बाबू, आराम से हो, आराम से मर दे। आई देखो ये चचवा नाच रहा है, समझ रहे हो? अब भैया साइड डब, हम लोग को जाए के बाद हो मर दे, लेफ्ट में से जाता नहीं। ए उसको देखो, लड़की से चिपक के धो लिया उसको बे, शाबाश। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं पहला टोल गेट। साहब टोल देना है तो इधर पर लाइन लगो ना, उधर से क्यों निकल रहा है? बा कसम पे क्या नौटंकी, उन लोगों का क्या लफड़ा हुआ हमको नहीं पता, लेकिन रास्ता ब्लॉक कर दिया वाले लोग, क्या बोले। और तो दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो रेल लाइन इस तरफ में आप ऊपर में देख रहे हैं, ये आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली शिलोंग जाने वाली जो रेलवे ट्रैक है वो है। एंड अगर रेल लाइन स्टार्ट हो जाता है शिलोंग तक जाने के लिए, तो मैं एक ना एक बार तो कवर करूंगा इस रूट को। मैं भाई ट्रेन से शिलोंग जाना चाहता हूँ, राम प्यारी को लेके मैं चला गया शिलोंग, लेकिन एक बार ट्रेन से शिलोंग जाना चाहता हूँ। कहाँ हो राजू, कहाँ हो इलक? पता नहीं के रुक गई लजा। अच्छा तुम्हारा गाड़ी से साउंड आ रहा है क्या? ठंडा होने दो, गरम। तो भाई अभी राजू का गाड़ी से साउंड आ रहा है एक्टिवा से, क्या करेगा रे, स्कूटी लोग धोखा दे देता है रास्ता का बीच में। अभी आधा रास्ता भी कवर नहीं हुआ, गुल्ली भाग रहा था गाड़ी। हाँ तो दबाई वो उतना तो इतना दबाई में तो मजा आवे तो रखे है। ये तो साफ चिपक के वेट कर रहा था, जैसे जादू के छप्पी देवत लगा तू। अगर टाइम रही तो काजीरंगा भी घुस जाए। अच्छा काजीरंगा भी घुस बिहार जाला हूँ रास्ता है, ये रास्ता ना भाई देख लो क्या कुछ हुआ है क्या। हाँ वो नहीं होगा, आप ठीक नहीं कर पाओगे? ठीक है गाड़ी, कुछ हुआ नहीं है। अरे हीट हो गया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो ठीक है, तो वहाँ पैसा बच गया, अभी चलो खाते हैं कहीं पे। क्या कर लिया, क्या कर लिया, फिर से बोल तो, फिर से बोल ना। कथी कर लिया तू, कथी झूठ बोलने पड़े केकड़ा का मामा के मर दे। यह कामाख्या मंदिर का नाम लेके महामृत्युंजय मंदिर जाया जाता। वाह ये गाड़ी तोड़ हो कि ना, हाँ तोड़े हो तो झूठ कैला बोल रहे, बोल दो तो महामृत्युंजय मंदिर जाती। वीडियो दिखा दे ना तो विश्वास हो जाए। अच्छा ठीक बा, अभी इधर से एन्ने जाएंगे बाद सीधा सीधा सीधा, अभी बहुत सीधा जाएंगे बाद भाई, कुछ ढाबा में रुकल जाइए आराम से। काजीरंगा ये यहाँ पहले नौगांव पहुँचना हुआ, 3-3.5 घंटा लगी। चलो पहले राजू का गाड़ी में ऐसा कुछ इशू नहीं है, अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। एंड अभी 7:47 हो रहा है, सुबह का 7:47 हो रहा है, एंड हमें लगा है बहुत जोर का भूख, तो अभी हम लोग आगे रुकेंगे ढाबा में। एंड भाई थैंक यू, हम लोग आगे में किसी ढाबा में रुकेंगे एंड थोड़ा सा पेट पूजा करेंगे, क्योंकि बहुत जोर का भूख लगा है भाई। जाओ 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 आगे जाओ आगे जाओ। तो भाई लोग अभी हम लोग जागीर रोड पहुंचने वाले हैं, एंड अभी हम लोग किसी गांव के बीचों बीच होके चल रहे हैं। अभी रास्ता है कहाँ खाएगा रे, यहाँ कही बाहर। रजू कौन सा गाना गावत ले रहे, बोल तो बोल तो बोल ना। मार लो सटा के गमचा बिछा ससुर ये गाना वायरल हो जाए।
ये है दिव्या फैमिली रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं एंड दिखाता हूँ हमारा नाश्ता क्या हम लोग ऑर्डर करेंगे और क्या खाएंगे आज। आदित्य स्पोर्टिंग वगैरह खोल लो, एक फोटो खींच देता है। मस्त सिक्स पैक एब्स बनाया है ना तुमने। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है पूरी सब्जी। नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट लेने के बाद यहाँ से वापस अपना राइड को कंटिन्यू करेंगे। तुम आज वेज खा रहे जो सब खाते ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर आपका बॉडी मेंटेन रहना है सब कुछ खाना पड़ता ना। हाँ। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी मिले तो खाते रहो उसको, ऐसा नहीं कि ये नहीं खाएगा, मतलब नखरा नहीं, पहले करता था बचपन में, अभी नहीं, अभी तो जो मिलता है खाना पड़ता है। लौंडा बदल गए। तो दोस्तों हम लोग का नाश्ता आ चुका है एंड ये देख लीजिए, ये है पूरी सब्जी, प्याज है एंड बहुत कुछ है। तो चलिए ऐसे फटाफट फिनिश करते हैं, इन लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया है। खत्म भी हो गया वहाँ, खत्म भी हो गया। अरे कैसा है खाना? अरे तू क्रिकेट कब तक देखबा? क्रिकेट कब तक देखबा? दोस्तों महा मृत्युंजय मंदिर का जो व्लॉग है उसका फर्स्ट पार्ट यही तक था, इसका सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और यहाँ तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण टू एवरीवन। दिस इज उदेश दास साइनिंग ऑफ। बाय बाय।